हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार सीमन, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनके क्षेत्र में ऐसे लोग नहीं है जो कि यह नहीं सोचते हैं कि हमारा राज्य तो हुआ लेकिन हमारे वर्ग का नहीं हुआ वगे, इसलिए ऐसा सोचते हैं कि कुल आमदनी में जो वृद्धि हुई उसमें उनको हिस्सा नहीं मिला। और आप देखें कि आज कोयला उद्योग में कितनी आमदनी बढ़ी है, शक्कर उद्योग में कितनी आमदनी बढ़ी है। इस उद्योग में केवल 70 करोड़ रुपये के पूंजी लगाई गई थी और इस उद्योग से एक साल में 50 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया गया है। यह उद्योग केवल 45 खानदानों के हाथ में था। इसी तरह से तेल उद्योग में, सीमेंट उद्योग में और दूसरे उद्योगों में बहुत आय हुई है। राष्ट्रीय आय की बढ़ोतरी का बहुत बड़ा हिस्सा इन उद्योगों में चला जाता है और गरीब आदमियों की आमदनी घट रही है। इसी कारण गरीब लोग बढ़ नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं सकते, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता। नतीजा यह है कि देश में गरीब और अमीर की विषमता की खाई बढ़ती चली जा रही है और जो राष्ट्रीय आय बढ़ती है उससे कोई नतीजा नहीं निकलता है। प्लानिंग कमीशन खुद यह स्वीकार करता है कि कृषि जन्य पदार्थों से जो आय होती है वह 45% है, जबकि कृषि पर निर्भर रहने वाले लोग 70% हैं। फिर यह 45% की आमदनी कहाँ से होती है? वह उन लोगों से होती है जो उद्योग चलाते हैं। यह ठीक है कि देश में आमदनी हुई लेकिन उसका हिस्सा उस आदमी को नहीं मिल सकता जो गांव में रहता है और गरीब है और जो कृषि पर निर्भर करता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आज यह परिभाषा की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी क्या होगी और कम से कम आमदनी कितनी होगी। यह कह देने मात्र से समाज ऊंचा नहीं उठ सकता कि समाज की उन्नति करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में केवल 40 से 50 लाख का हित हो रहा है और देश में साल भर में 60-65 लाख नए लोग पैदा होते हैं, तो इन 20-25 लाख लोगों की उन्नति का क्या तरीका होगा? आपने कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाया है
जिससे कि वह ऊंचे उठ सकें, आज जो भी कदम आप उठा रहे हैं उनसे लोगों का जीवन स्तर सुधारने में सहायता मिलेगी। स्टॉप।